मेरा नाम मोतीलाल मरंडी है और मैं फरकिया में प्रभु का सेवा कर रहा हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, आईपीएससी इंडिया को प्रभु ने बुलाया है इस कठिन परिस्थिति में प्रार्थना आंदोलन के लिए, कि हम प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करें इस देश के लिए, समाज के लिए। इससे पहले मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ना चाहते हैं। क्रोंथियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3 और 4 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। यहाँ पर हेडिंग में हम देखते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करना। हम किसी भी परिस्थिति में हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना ना भूलें। यहाँ पर हम एक दो बातों को देखेंगे कि यीशु मसीह के परमेश्वर, अर्थात जिस परमेश्वर की हम और आप सेवा करते हैं, वो परमेश्वर जो है दया का परमेश्वर है और शांति का परमेश्वर है। दो बात, हमारा परमेश्वर दया का परमेश्वर है और दूसरी बात शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है। आज इस महामारी में भी परमेश्वर हमें शांति दिया है। आज दुनिया के लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, डर के माहौल में जी रहे हैं। एक छोटा सा कोरोना वायरस जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसके डर से लोग जो है मारे मारे फिर रहे हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कब क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है हर कलेश में, हर परिस्थिति में, यानी हर दुख में परमेश्वर का वचन हमको शांति प्रदान करता है। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। अर्थात परमेश्वर का वचन से हमें शांति मिलती है। और हम देखते हैं कि यीशु ने कहा, ढाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे अजीजों, हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें शांति से हमें जीने की जरूरत है। कि यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है, इस महामारी को भी जीत लिया है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के अविनाशी बीज से हमको शांति मिली है। यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। आज दुनिया का शांति हमारे पास नहीं है, आज यीशु मसीह का शांति, असीम शांति आज आपके पास है, मेरे पास है। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, कि जिस परमेश्वर की हम और आप सेवा करते हैं वो दया का परमेश्वर है, वो शांति का परमेश्वर है। आज दुनिया में जो अशांति में जी रहे हैं, परमेश्वर आपको और हमको उनके बीच में शांति का दूत बनाकर भेजना चाहता है, एक शांति का प्रतीक बना करके भेजना चाहता है, कि हम उनके बीच में जाएं, परमेश्वर का असीम शांति को हम बतलाएं। आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, वो दया का परमेश्वर है। आज हमको और आपको जरूरत है कि हम जो अशांति में लोग जी रहे हैं उनके बीच में जा करके हम परमेश्वर का शांति के बारे में उनको हम बतलाएं। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। स्वर में विराजमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए जो आपने हमें दिया। हम सब मिल करके प्रभु, हम अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री के लिए, बिहार के जिलों के लिए, बिहार के लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने बचा लिया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है। हम प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे जिला के लिए, हमारे पंचायत के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया के लोगों को प्रभु आपने बचा लिया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल सुबह फिर परमेश्वर के दास के द्वारा आप परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद।